अंक ज्योतिष भी एक तरह से ज्योतिष शास्त्र की तरह है, व्यक्ति के भविष्य की गणना करता है। अंक ज्योतिष में अंकों की मदद से भविष्य के बारे में जानकारी दी जाती है। अंक ज्योतिष में खास तौर से गणित के कुछ नियमों का प्रयोग व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। उनके व्यक्तित्व का आकलन कर उनकी आने वाली जिंदगी के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। अंक ज्योतिष में व्यक्ति के जन्म तिथि के आधार पर मूल्यांकन निकालकर उसके भविष्य फल की गणना की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी का जन्म 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है तो इनका मूलांक बनता है 6। इस अंक के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र ग्रह लग्जरी का प्रतीक है। ज्योतिष वस्तुतः अभी वर्तमान में समय में आने वाले एक रोचक शास्त्र निकल के सामने आ गया है। कहने को तो अंक ज्योतिष को कुछ अंगों के माध्यम से कुछ ग्रहों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अपन मान लें कि अंक ज्योतिष है, कुछ गणितों के तकनीकों के माध्यम से उसमें मूल्यांकन निकाला जाता है। उदाहरण के लिए अपन समझें कि कोई व्यक्ति का जन्म यदि 6, 15 या 24 को हुआ है तो उसका मूल्यांकन निकल के आएगा 6। मूल्यांकन डिफाइन करेगा छठवा अंक जो 6 निकल के आया वो होता है शुक्र का। शुक्र हमेशा क्या है, लग्जरी लाइफ देने वाला होता है। व्यक्ति कम उम्र में अधिक धनवान बन जाता है इसमें, ठीक है, और प्लानिंग के साथ चलता है, फैमिली को लेके चलता है और बड़े सपने देखता है और वस्तुतः उसे पूरा भी करता है। शुक्र हमेशा और बहुत ये देखा गया है शुक्र को हमेशा प्रेम की ज़िंदगी ज़्यादा जीने में पसंद करता है, आसान वाली ज़िंदगी ज़्यादा पसंद करता है, आरामदेह ज़िंदगी ज़्यादा पसंद करता है और थोड़ा सा मित्रवत रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये अंक ज्योतिष क्या होती है? अंक ज्योतिष अंकों के माध्यम से 0 से 0 डिजिट से लेकर 9 डिजिट के बीच में कुछ मूल्यांकन होते हैं। हम जैसे मान लो 25 तारीख को जन्म है, 25/1/94, उसका टोटल मूल्यांकन एक एक जैसे 2 और 4 हुआ कितना 6, फिर आगे 1 तो 6 और 1 7 और 1994 को 1 करके जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके सबको जोड़ते जोड़ते एक संख्या निकलेगी। 2 संख्या से एक पहला लास्ट वाला सत्यापन को निकाल, उस अंक से अपन लास्ट में मूल्यांकन की गणना करेंगे। मूल्यांकन में 9 ग्रहों को उसमें डिफाइन करेंगे। 1 होगा सूर्य, होगा तू, होगा तो मंगल हो गया, 3 हो गया तो बुध हो गया, 4 हो गया तो गुरु हो गया, ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं।